नमस्कार, आप सुन रहे हैं नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं अशोक हमराही के साथ। नवरात्र नव दुर्गा की आराधना का पर्व है। प्रथमा से नवमी तिथि तक हर तिथि को माँ नव दुर्गा के अलग अलग नौ रूपों की पूजा की जाती है, जो अपने भक्तों को सुख शांति शक्ति और ज्ञान प्रदान करती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री, दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा, चौथे दिन माँ कूष्मांडा, पांचवें दिन माँ स्कंद माता, छठे दिन माँ कात्यायनी, सातवें दिन माँ कालरात्रि, आठवें दिन माँ महागौरी और नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि का हर दिन देवी के इन्हीं विशिष्ट रूपों को समर्पित है। जगत जननी का छठा रूप माँ कात्यायनी का है। माँ की उपासना और आराधना से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। माँ कात्यायनी का यह स्वरूप अत्यंत मनोहर है। माँ की चार भुजाओं में दाईं तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ के बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। पुराणों के अनुसार महर्षि कात्यायन ने देवी भगवती की उपासना कर कठिन तपस्या की। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उनकी इच्छा पूर्ण की और उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, इसलिए वो देवी कात्यायनी कहलाईं। इन्होंने ही महिषासुर नाम के दैत्य का संहार किया। देवी पुराण के अनुसार असुरों के स्वामी महिषासुर के आतंक से सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को सुनने के बाद तीनों देवताओं को क्रोध आया। उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से एक देवी उत्पन्न हुई, जिन्हें ब्रह्मा जी ने गंगा जल से परिपूर्ण दिव्य कमंडल प्रदान किया। भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल और भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। इंद्र ने अपना वज्र और घंटा प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता को तेजस्वी अस्त्र शस्त्र और शुभ आयुध अर्पित किए। सभी देवताओं ने दिव्य आभूषणों और आयुधों से युक्त भगवती की स्तुति की। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणतः स्मताम। इस प्रकार देवताओं ने स्तुति करते हुए भगवती से महिषासुर के उत्पीड़न के बारे में बताया, जिसे सुनकर देवी ने देवताओं को आश्वस्त किया और महिषासुर के विनाश का उद्घोष किया। देवी के उन स्वरों से सभी दिशाएं गूंजने लगी, पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत हिलने लगे, समुद्र में हलचल मच गई। इन ध्वनियों को सुनकर देवता प्रसन्न हो गए और दैत्यों के कलेजे कांप उठे। ये ध्वनियां सुनकर महिषासुर अपनी समस्त सेना को सुसज्जित कर उस सिंहनाद की ओर दौड़ा, जहां पहुंचकर उसने जगदम्बा को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। माँ के धनुष की टंकार से ब्रह्मांड गूंज रहा था। देखते ही देखते देवी ने महिषासुर की बलशाली सेना का विनाश कर दिया। तब महिषासुर ने महिष अर्थात भैंसी का रूप धारण कर आतंक मचाना शुरू कर दिया। ये देख
जगत जननी ने उस असुर को पाश फेंक कर बांध लिया। पाश में बंधते ही उसने सिंह का रूप ले लिया। उस अवस्था में देवी माँ ने जैसे ही उस पर प्रहार किया, वैसे ही वह पुरुष रूप में आ गया और फिर देवी माँ की बाण वर्षा से बचने के लिए उसने गजराज का रूप धारण कर लिया। इससे पहले कि माँ उस पर प्रहार करती, अपनी माया से वो एक बार फिर भैंसे के रूप में आ गया। तभी देवी माँ ने उसे पैर से दबाकर अपने शूल से उसके कंठ में आघात किया। वो पुनः रूप बदल ही रहा था कि देवी ने अपनी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। इस प्रकार देवी माँ ने त्रिलोक को महिषासुर के आतंक से मुक्ति दिलाई। माता कात्यायनी ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। मान्यता है कि भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने कालिंदी यमुना के तट पर माँ कात्यायनी की पूजा की थी। ऐसा कहा जाता है कि विवाह योग्य कन्याएं सुयोग्य वर पाने के लिए भी कात्यायनी माँ की पूजा करती हैं। नवरात्र में षष्ठी पूजन के साथ माँ कात्यायनी की कथा सुनने से सभी संकट दूर हो जाते हैं, भय का नाश होता है, आत्मशक्ति का विकास होता है और जीवन में उन्नति के द्वार खुल जाते हैं। महिषासुर मर्दिनी पाप ताप नाशिनी, जय देवी जय देवी, जय माँ कात्यायनी। ओम देवी कात्यायनी नमः। अगर नौ रूप नौ दिन नौ कथाएं सीरीज का ये एपिसोड आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों और जानने वालों से ये सीरीज शेयर करना ना भूलें और अपने सुझाव यानी सजेशंस के लिए इंस्टाग्राम पर आकर हमें टैग करना और बताना ना भूलें @ अशोक हमराही।